आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही बढ़िया टेस्टी क्रिस्पी और बहुत ही ज़्यादा क्रीमी दही सैंडविचेस। ये सैंडविचेस बहुत ही हेल्दी हैं क्योंकि ये बने हैं मल्टीग्रेन ब्रेड से और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे बनाते हैं ये बढ़िया दही सैंडविचेस। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विभा और चलिए शुरू करते हैं द मैजिक ऑफ फूड। दही सैंडविचेस बनाने के लिए हम सबसे पहले अपनी दही को तैयार करेंगे। तो इसके लिए लिए है मैंने यहाँ पे 500 ग्राम दही। ये फुल फैट मिल्क से बनी हुई दही है और घर पे बनी हुई दही है, आप चाहे तो मार्केट वाली भी ले सकते हैं। और अब हम इस दही को इसका पूरा पानी निकालने के लिए, ताकि ये एकदम क्रीम की फॉर्म में आ जाए, उसके लिए हम इसे छलनी के ऊपर एक मसलिन क्लॉथ रख कर और पूरी दही इसके अंदर डाल देंगे। इससे क्या होगा कि जो इसका जो पानी है वो पूरी तरीके से इसमें ड्रेन हो जाएगा और ये एकदम हमारे को क्रीम की फॉर्म में ये दही मिल जाएगी। तो इसके लिए हम इसको 2 घंटे के लिए इसी तरीके से फ्रिज में रख के छोड़ देंगे और 2 घंटे के बाद लीजिए तैयार है हमारी दही। ये हमारी हंग कर तैयार हो चुकी है और अब हम इसे एक बोल के अंदर निकाल लेंगे। देखिए कितनी क्रीमी फॉर्म में ये आ चुकी है, बहुत ही बढ़िया लग रही है। और अब थोड़ा सा इसको हम मिक्स करेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे अपनी वेजिटेबल्स। सबसे पहले यहाँ पे डाले मैंने 2 बड़े चम्मच कैप्सिकम के यानी शिमला मिर्च, और फिर हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच ही कॉर्न के। यहाँ पे मैंने बॉइल्ड कॉर्न लिए हैं, नॉर्मल कॉर्न को थोड़ा सा नमक डाल के मैंने बॉईल कर लिया था और वो मैंने इसमें यूज़ किया है। और फिर हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच टमाटो के जो एकदम बारीक कटे हुए हैं, और फिर हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच ही पत्ता गोभी। ये पत्ता गोभी मैंने ग्रेटर से ग्रेट कर ली थी, यानी कद्दूकस करके ली है ये पत्ता गोभी मैंने। और फिर हम डालेंगे इसमें गाजर, वो भी 2 बड़े चम्मच। इसको आप चाहे तो बारीक बारीक चॉप कर लीजिए, चाहे तो आप इसे ग्रेट कर लीजिए, तो वो भी मैंने लिए हैं 2 चम्मच। और फिर हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच ही एकदम बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो इन सब चीजों को अच्छे से डाल के हम इसको मिक्स करेंगे। वेजिटेबल की क्वांटिटी आप थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं, अगर आपको और थोड़ी ज्यादा वेजिटेबल्स चाहिए तो आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। आप इसमें थोड़ी सी मेयोनीज भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं बिना मेयोनीज के ही बना रही हूँ ताकि ये हेल्दी रहे। तो ये सब हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है और अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च। यहाँ पे मैंने 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च ली है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और फिर हम इसमें डालेंगे नमक, नमक भी आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर 1 चम्मच डाला है। और फिर हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच काली मिर्च का पाउडर। इन सबको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से इसको मिक्स करना है ताकि जो नमक और काली मिर्च है ये अच्छे से पूरे मिक्सचर के अंदर पूरी तरीके से इवनली स्प्रेड हो जाए। तो अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। एकदम बढ़िया फिलिंग है ये और हेल्दी भी है। लीजिए तैयार है हमारी ये सैंडविचेस की फिलिंग और अब हम सैंडविचेस तैयार करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ली है ये मल्टीग्रेन ब्रेड, आप चाहे तो व्हाइट ब्रेड भी ले सकते हैं, ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं, आटा ब्रेड भी ले सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे ली है मल्टीग्रेन ब्रेड। और अब हम अपनी फिलिंग को अच्छे से इस पर स्प्रेड कर देंगे। करीबन 2 चम्मच इसके अंदर हम फिलिंग यूज करेंगे और फिर एक दूसरी ब्रेड से इसे कवर कर देंगे। सेकने के लिए मैंने यहाँ पे बटर लिया है, आप चाहे तो वेजिटेबल ऑयल या घी भी यूज कर सकते हैं। और अच्छे से इसको पूरे सैंडविच के ऊपर स्प्रेड कर देंगे और फिर हम इसे सेकेंगे। इसको 2 से 3 बार हम इसे पलटकर अच्छे से दोनों तरफ से सेकेंगे ताकि ये जो सैंडविच है बढ़िया एकदम क्रिस्पी तैयार हो जाए। तो 2 से 3 बार हम इसे अच्छे से पलट पलट कर और हल्के हाथों से दबाएंगे, इसे बहुत जोर से इसको प्रेस नहीं करेंगे, हल्के हाथों से दबाकर इसे हम दोनों तरफ से सेकेंगे। लीजिए तैयार है हमारी ये बहुत ही बढ़िया सी हेल्दी दही सैंडविचेस। आप इसे चाहे ब्रेकफास्ट में खाएं, चाहे तो इवनिंग में स्नैक में,
बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।